गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 12 अक्टूबर है। आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं झारखंड करंट अफेयर के लिए, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से सरकार को अब तक कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? 584, 1023, 150 या फिर 770। तो ऑप्शन ए जो है 584 करोड़, ये इसका सही आंसर है। अभी तक 584 करोड़ का राजस्व झारखंड सरकार को प्राप्त हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट है ये कितने इन्वेस्टमेंट के बाद हुआ है और इसका क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, 40 साल से चल रही स्वर्ण रेखा, देखिए इसका जो नाम है स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा है, लेकिन उपनाम अगर हम बोलें या फिर कहीं कहीं बहुत जगह आप देखेंगे स्वर्ण रेखा भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, स्वर्ण रेखा एक ही है। तो 40 साल से चल रही स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के 150 करोड़ से बढ़कर 6613 करोड़ होने के साथ ही अब सरकार को इससे राजस्व मिलने लगा है। परियोजना से सरकार को अब तक 584 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। और आपको पता है कि ये जो परियोजना है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया या फिर पानी पीने के लिए सप्लाई करना, तो ये सब जो ज़रूरत है ये पूरा किया जाता है। और इसी के तहत टाटा कंपनी को जो पानी दिया जाता है तो उससे 770 करोड़ रुपए का बकाया है। तो इसको अगर मिला दें तो टोटल 1023 करोड़ रुपए जो है परियोजना का विभिन्न कंपनियों व विभागों जो कि इस योजना के तहत पानी लेते हैं उनका भी बहुत बकाया है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि झारखंड का ये एकमात्र प्रोजेक्ट है, दी ओनली प्रोजेक्ट, जिसे देश के उन 99 प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो चुकी है। तो ये एक राष्ट्रीय परियोजना भी है जिसको घोषित किया जा चुका है। ओके, और इसकी जो मॉनिटरिंग होती है ये केंद्रीय जल आयोग करता है, वहीं इस पर सीधा नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है। परियोजना के निर्माण पर अब तक कुल 6071 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अगर परियोजना पूरी हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस बहुउद्देशीय परियोजना से सरकार को लागत से कहीं अधिक राजस्व प्राप्त होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको स्वर्ण रेखा के बारे में, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है ये परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर मैं स्वर्ण रेखा के बारे में बताऊँगा। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1982 और 83 के बीच में हुई थी। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर दो बांध, चांडिल और गालोदी जो कि घाटशिला के नज़दीक हैं। ओके, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जो है खरकई पर दो बांध हैं, ईचा बांध जो कि चाईबासा के नज़दीक है और गाजिया बांध जो कि जमशेदपुर के नज़दीक हैं, ये बनाए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। ओके, स्वर्ण रेखा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि इसका उद्गम स्थल क्या है, तो रांची का जो छोटा नागपुर पठार है नगड़ी नाम का जगह है, यही इसका उद्गम स्थल है। ओके, और ये गिरती कहाँ है, देखिए झारखंड का एक रफ मैप बना रहा हूँ मैं, इस तरह से है, बिल्कुल रफ मैप है, ठीक है, ऐसे ही समझिए। अब ये उड़ीसा हो गया, ठीक है, तो ये क्या है कि उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो उद्गम स्थल क्या था, नगड़ी जो कि रांची में है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अगर कुल लंबाई की बात करें, अगर इसके लेंथ की बात करें हम लोग, तो अप्रोक्स 470 किलोमीटर है। ओके, 470 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ की बात की जाए जो इस पर आके मिलती हैं, इसमें आके मिलती हैं, तो काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राड़ू, संजय, ये जो है ये सहायक नदियाँ हैं। और जो स्वर्ण रेखा नाम है स्वर्ण रेखा, तो ऐसा माना जाता है कि इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने फुटपाथ दुकानदारों को जल्द ही वेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा? 5900, 1110,
1610 या फिर 2110। तो ऑप्शन ए जो है 5900, ये इसका सही आंसर है। झारखंड के 5900 फुटपाथ दुकानदारों को जल्द ही वेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 400 फुटपाथ वेंडर को पहले ही यह सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। झारखंड हाई कोर्ट ने शहर के फुटपाथ दुकानदारों को वेंडर सर्टिफिकेट देने के निर्देश के साथ ही वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन को लेकर दायर जनहित याचिका निष्पादित कर दी है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें कृषि के क्षेत्र में रिसर्च एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? धर्मा उरांव, आरती एक्का, पंकज सेठ या फिर अमृत झा। तो ऑप्शन सी जो है पंकज सेठ, ये इसका सही आंसर है। पशुपालन विषय पर उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स अफ्रीका ने कृषि विद्यालय सरायकेला के वैज्ञानिक जो कि वेटनरी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं डॉक्टर पंकज सेठ को रिसर्च एक्सलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। डॉक्टर सेठ को यह अवार्ड अफ्रीकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में प्रकाशित डिफ्यूजन ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इन पिग अ केस टी एंड डी ब्रेड इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया विषयक शोध पत्र के लिए दिया गया। यहाँ पर एक्चुअली मुझे ये इंग्लिश में लिखना चाहिए था, हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, डॉक्टर पंकज सेठ को सोसाइटी ऑफ कृषि विज्ञान लुधियाना पंजाब के द्वारा बेस्ट कृषि विज्ञान वैज्ञानिक का भी अवार्ड दिया गया है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 और अभी कुलपति कौन है? डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब भी इस तरह का नाम आता है तो ये सब चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप किसी नाम को बार बार देखेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट कर जाएगा, आपको वह सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो अलग से ये सभी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के द्वारा कब से कब तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है? आपको ये तो पता है कि 10 अक्टूबर को ये मानसिक दिवस के रूप में मनाया गया था। अब यहाँ पर सप्ताह की बात की जा रही है तो डेफिनेटली ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, इसके लिए आप श्योर रहिए। ऑप्शंस में है 10 से 17 अक्टूबर, 5 से 12 अक्टूबर, 13 से 20, 17 से 24 अक्टूबर। तो यहाँ पर 10 से स्टार्टिंग है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, राज्य सरकार के द्वारा 10 से 17 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों के मास्टर ट्रेनर को राज्य की ओर से ट्रेनिंग दी गई है। जिलों के मास्टर ट्रेनरों के द्वारा जिलों में कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस अभियान के तहत मानसिक रोगियों की पहचान कर उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी। मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के लगभग 1000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कैंप लगाए जाएंगे। स्क्रीनिंग में पाए गए मानसिक रोगियों को जिन जिलों में साइकेट्रिस्ट उपलब्ध हैं एवं जिन जिलों में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्लिनिक संचालित है उनके पास भेजा जाएगा। यह व्यवस्था लगभग 9 जिलों में है, शेष 15 जिलों में चिन्हित मरीजों को ऋण पास भेजा जाएगा। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तीसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2020 में कुल कितने लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है? ओके, मैंने आपको बताया कि कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो करंट अफेयर में तो उसको कवर किया ही जाता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको जेपीसी मेंस में पूछा जा सकता है या फिर जेपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो तैयार किया जाएगा, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ओके, और उसका जो पीडीएफ नोट्स है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो हो सके तो जल्द ही बनाकर आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, 657, 520, 617, 357, तो इसका आंसर जो है 520, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 520। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 11 अक्टूबर को तीसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2020 का अवार्ड सो जूम ऐप पर ऑनलाइन आयोजित किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का आयोजन पिछले 3 सालों से किया जा रहा है। इस महोत्सव में जहाँ 2018 में 3 देशों से और 2019 में 7 देशों से फिल्मों की प्रविष्टि आई थी, वहीं 2020 के कोरोना काल में भारत सहित 53 देशों की 657 फिल्मों की प्रविष्टि आना राज्य हित में एक बड़ी उपलब्धि है।
महोत्सव का प्रचार प्रसार कनाडा की कंपनी फिल्म फ्रीवे के द्वारा किया गया है। कुल 520 लघु फिल्में, 51 फीचर फिल्में और 47 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के साथ साथ 39 एनिमेशन फिल्मों में भारत से 357 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत एवं झारखंड के प्रति विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ है। ओके, भारत में तो खैर भारत के प्रति तो खैर आकृष्ट हुआ ही है, साथ साथ भारत में झारखंड के प्रति भी आकृष्ट हुआ है। ओके, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। आज का लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के कितने जिलों में RDD ग्रीवेंस सेल की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन डी जो है 5 इसका सही आंसर है। 5 जिलों में रांची के साथ साथ गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा, इसमें इस सेल की शुरुआत की गई है। ओके, और इससे फ़ायदा ये होगा कि शिक्षा कर्मियों के साथ साथ अभिभावकों को भी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। RDD ग्रीवेंस सेल बनने से शिक्षा कर्मियों को कार्यालय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब अफसरों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही अभिभावक भी शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण के लिए ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। इनकी शिकायतों का निपटारा एक पखवाड़े में हो पाएगा। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस व्यक्तित्व पर कर्नाटक में डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है? ऑप्शंस क्या है? हेमंत सोरेन, रामदयाल मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर धर्मेंद्र तिवारी? तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप उसको अटेम्प्ट किया कीजिए, ये आपके लिए तैयार किया जाता है। ओके, इतनी जो मेहनत है, सुबह लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, सेम क्वेश्चंस शाम को आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि आपको ये सब चीज़ें आसानी से याद हो पाए। ठीक है, तो क्विज को अटेम्प्ट करना है। और एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे कंटेंट को आप पसंद करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो यदि आप अपने दोस्तों से इन वीडियोस को शेयर कर पाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग आपको दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।